चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली सरकार से नाराज गेस्ट टीचर्स लड़ेंगे चुनाव, किया उम्मीदवारों का ऐलान। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक दलों से धोखा खाए और नौकरी से बाहर कर दिए गए गेस्ट टीचर्स अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति बना रहे हैं। गेस्ट टीचर्स अब अपने बीच के ही शिक्षकों को दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतारेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर्स फिलहाल नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं और बीते लगभग 25 दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गेस्ट टीचर्स अब नेता बनने जा रहे हैं। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने बुधवार को इसके लिए 4 नामों की घोषणा कर दी, जिसमें पूर्वी दिल्ली से श्वेता छिल्लर, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से धर्मेंद्र मीणा, नई दिल्ली लोकसभा सीट से राम कुमार मीणा और उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से मैनेजर सिंह चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। टीचर्स एसोसिएशन फिलहाल बाकी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर रहा है। गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि सभी राजनीतिक दल उन्हें लगातार धोखा देते रहे हैं और ऐसे में चुनाव के सहारे अब राजनीतिक दलों को सबक सिखाया जा सकता है। गेस्ट टीचर्स चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर दिल्ली के राजनीतिक दलों की राय क्या है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गेस्ट टीचर्स को चुनाव लड़ने के फैसले को उनका निजी फैसला बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि चुनाव लड़ना उनका हक है और हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया का कहना है कि गेस्ट टीचर्स के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों ने अन्याय किया है और ऐसे में टीचर्स इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के महासचिव अरविंद गुप्ता का कहना है कि गेस्ट टीचर्स के साथ केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है और आम आदमी पार्टी ने उन्हें धोखे में रखा है। केजरीवाल की वजह से ही 22,000 गेस्ट टीचर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि सिस्टम से नाराज चल रहे समूह राजनीति में उतरने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता उन्हें कितना समर्थन देगी यह आने वाला वक्त बताएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी सातों सीटों पर छठे चरण में यानी 12 मई को वोटिंग होगी और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर्स दोबारा से नौकरी की ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर दिल्ली में भी उनके लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाए और जिसके तहत 60 साल तक नौकरी करने के वह लोग पात्र बन सके। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।